वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। दोस्तों आज बनाएंगे हम कार। इसके लिए हम सबसे पहले इस पाइप को चपटा कर लेंगे। हमें इस तरह के 8 पीस चाहिए जिसमें 2 होल होने चाहिए। दोस्तों मैंने यहाँ पे 2 स्लॉट पास पास में बना लिया और दोनों पीस में इसी तरह से मैंने बना लिया है। दोस्तों ये मैंने एक प्लास्टिक के पीस को एल्बो शेप में मोड़ लिया और उस पर एक स्क्रू लगा दिया है। ऐसे 2 पीस चाहिए। और दोस्तों मैंने एक पीस को इस तरह से होल करके दूसरी तरफ बड़ा होल किया है। एक वायर केस को मैंने ऊपर से कैप निकाल ली और साइड पर से मोड़ लिया है। हमने ऐसे 2 पीस बनाने हैं। स्टेयरिंग व्हील मैंने जो पिछले वीडियो में बनाया था आई बटन में लिंक मिल जाएगी। इस दोस्तों ये गियर बॉक्स हमने बॉटल कैप से बनाएगा। इसकी लिंक भी हम आई बटन में दे देंगे। दोस्तों ये यूनिवर्सल जॉइंट है जो हमने खुद बनाया है, इसकी लिंक भी आई बटन में मिल जाएगी। फायर किक इलास्टिक या फिर रबर बैंड चलेगा। 3-4 तार, ये हमने जो पहले 8 पीस लिए थे वो। हमने जो एल्बो शेप में पीस को मोड़ा था उसमें हम एक छेद कर लेंगे दोनों पीस में। अब दोस्तों हम इसमें 2 होल कर लेंगे यहाँ पर। हमने जो स्क्रू वाले पीस बनाए थे उसको हम यहाँ पर लगा देंगे। अच्छे से स्क्रू ड्राइवर से फिट कीजिए। इसी तरह से दूसरे होल पर ये दूसरे पीस को फिट कर लेंगे। दोस्तों मैंने दूसरे को भी स्क्रू ड्राइवर से फिट कर लिया है। अब हम इस पर फायर किक लगा देंगे। अब हम इस गियर बॉक्स को लेंगे, टायर निकाल लेंगे सबसे पहले। अब हमने जो ये 2 पीस बनाए थे उसको हम साइड पर लगा देंगे कुछ इस तरह से। बाद में हम इन दोनों होल में एक तार लगा लेंगे ताकि ये आमने सामने आ जाए। और उसके बाद हम यहाँ पर फायर किक लगा देंगे। दोस्तों ये तार हमने टेम्पररी लगाया है, अब हम इसे को निकाल देंगे। अब हम ये पाइप लेंगे जो हमने पहले फ्लैट करके रखी थी और ये 2 पीस लेंगे। और जो पाइप को हमने चपटा किया है उसके बीच में जो गैप है वहाँ पर हम इसके साइड पे मुड़े हुए पीस को लगा देंगे कुछ इस तरह से। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अगर कुछ समझ में ना आया तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप पाइप को फ्लैट करके ही बनाए। मैंने पाइप को गैस पे गर्म करके फ्लैट किया है। आप चाहे तो वायर केस से भी बना सकते हैं, बट मुझे ये अच्छा लगा तो मैं इससे बनाया। जैसी का शेप आ गया इस तरह से दोनों तरफ वायर केस के पीस को लगा देंगे। सभी कोनों में फायर किक लगा के इसको अच्छी तरह से चिपका लेंगे। इसके तो ऊपर के भाग है, अब हम इसको जो हमने बेंड किया है वायर केस था उसमें हम लगा देंगे दोनों तरफ एक एक। अब हम ऐसे 4 तार लेंगे और ये हमने जो स्टीयरिंग व्हील बनाया था उसके, और ये 2 पीस लेंगे।
और हम कुछ इस तरह से इसको तार के साथ स्टेयरिंग व्हील के साथ लगा देंगे। दोस्तों ये स्टेयरिंग व्हील इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये स्टेयरिंग का काम करे, वैसे तो उसे फ्रंट व्हील भी बोलते हैं। दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए कि मैं किस तरह से इसे लगा रहा हूँ, मेरी बकबक सुन के आप वरना बोर हो जाओगे। इसी तरह से दूसरी ओर भी लगा लेंगे। दोस्तों ये मैंने दोनों ओर लगा लिया है। अब हम पीछे हमने जो गियर बॉक्स बनाया था उसमें इस तरह से लगा देंगे। दोस्तों ये जो मैंने ब्लू कलर के पीस काटे, ध्यान रखना कि सभी पीस की लंबाई एक समान हो, वरना हमारी हमारे व्हील ऊपर नीचे दिखेंगे और कार टेढ़ी मेढ़ी चलेगी। इसी तरह से दोनों ओर हम लगा लेंगे। बाद में हम इस ब्लू पीस को तार की मदद से स्लॉट के साथ लगा देंगे, कुछ इस तरह से। हमको किसी भी दो पीस को, दो ब्लू पीस को लगाना है, कुछ इस तरह से। ध्यान से देखिएगा। इसी तरह से हम दूसरे बचे हुए दो पीस को दूसरे स्लॉट के अंदर लगा देंगे। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। इसी तरह से हम ये फ्रंट व्हील को भी लगा लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे दो ब्लू पीस को भी लगा देंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने फ्रंट व्हील लगा दिया है। अब मैं पीछे के गियर बॉक्स में व्हील लगा देता हूँ। दोस्तों अब हम एक तार लेंगे और इसे 90 डिग्री पे फ्रंट व्हील के ऊपर लगा देंगे और फैकी की मदद से चिपका लेंगे। दोस्तों ये मैंने वायर को इसका एक पीस लिया है और इसके बीच में हमने होल कर लिया है। हमने जो फ्रंट व्हील के ऊपर 90 डिग्री पे जो तार लगाया था उसको हम इस होल में डालेंगे और बाद में इस वायर के इसको फैकी की मदद से चिपका लेंगे, जिससे अब हमारा जो ये आगे का व्हील सस्पेंशन वर्क करेगा तब ये मुड़ नहीं जाएगा। इस तार को थोड़ा काट लेंगे और बाद में मोड़ देंगे। अब दोस्तों हम यूनिवर्सल जॉइंट लेंगे और इसको हम पीछे के गियर बॉक्स के साथ लगा देंगे। दोस्तों हमने जो ये गियर मोटर बनाई थी उसको हम यूनिवर्सल जॉइंट के दूसरी ओर लगा देंगे। जॉइंट के दोनों ओर हम फैकिक लगा देंगे। अब हम गियर बॉक्स को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। इस तरह से सेट करेंगे कि हमारा गियर बॉक्स खींचे नहीं और बाद में हम इसको चैसी के ऊपर फैकिक की मदद से चिपका लेंगे।
बाद में हम एक तार लेंगे और इसे कुछ इस तरह से बीच में से मोड़ लेंगे। दोस्तों अब हम ये जो हमने जो यूनिवर्सल जॉइंट लगाया है उसके एक्सल के ऊपर हम इस तार को लगाएंगे कुछ इस तरह से। अब हम इस तार को इस तरह से मोड़ेंगे कि इसके बीच में जो लूप बने उसके अंदर यूनिवर्सल जॉइंट के एक्सल आ जाए, आप देख सकते हैं। और साइड के दो छोर को हम मोड़ के चैसी के साथ लगा देंगे। दोस्तों इससे क्या होगा कि जब भी सस्पेंशन वर्क करेगा तब हमारा यूनिवर्सल जॉइंट खींचेगा नहीं और एक जगह पे टिका रहेगा। दोस्तों अब हम इसको फेंक की मदद से चिपका देंगे। दोस्तों अब हम यहाँ पर इलास्टिक या फिर रबर बैंड लगा देंगे। दोस्तों मैं इलास्टिक लगा रहा हूँ, बाद में मैं मुझे ये ठीक नहीं लगेगा तो मैं रबर बैंड लगा दूँगा। तो मैंने जो स्लॉट में ये तार लगाया था यहाँ उसकी जगह मैंने बेम्बू स्टिक लगा दिया है, ताकि क्योंकि तार मुड़ रहे थे और इलास्टिक की जगह पे मैंने रबर बैंड लगा दिया है। आगे भी मैंने रबर बैंड लगाया और पीछे भी। दोस्तों माफ़ करना, पहले मैंने लगाया था, मुझे लगेगा ये वर्क करेगा, बट इसने वर्क नहीं किया है। आप पहले से ही बेम्बू स्टिक का यूज़ कर लेना। अब हम सस्पेंशन को ट्राई करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा सस्पेंशन अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। दोस्तों अब आगे का सस्पेंशन चेक करते हैं। दोस्तों आगे का सस्पेंशन भी ठीक ठाक काम कर रहा है। तो दोस्तों अब ये चेसी अब हमारी तैयार है। अब हम इसको रिमोट बनाएंगे। दोस्तों मैंने पहले आपको एक वीडियो में रिमोट बनाना सिखाया था, मैं इसके लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप उस रिमोट को बना सकते हैं। दोस्तों अब हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। मैंने उस वीडियो में वायरिंग करना भी सिखाया, आप उसी में देख लेना कि वायरिंग कैसे करते हैं। अब हम कार को चला के देखेंगे। इस स्विच को ऑन कर लेते हैं। लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सभी कमांड अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं। अब इसको हम बाहर चला के देखते हैं। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।